जय माता दी, जय माता। लोगों का कहना है कि माता जी ऐसे ही रहना पसंद करती हैं। बहुत लोगों ने कोशिश किया कि मंदिर यहाँ बन जाए, लेकिन मान्यता है कि माता जी को मंजूर नहीं है। बोलती हैं कि नहीं, मुझे ऐसे ही रहना। तो भाई अब इनके आगे कोई क्या कर सकता है। बहुत ही अच्छा और फेमस जगह है। इस जगह का वर्णन दुर्गा सप्तऋषि ग्रंथ में है, जिसका वर्णन श्री मार्कंडेय ऋषि ने किया था। मार्कंडेय ऋषि को अगर देखा जाए तो दुर्गा सप्तऋषि रामायण काल से भी और पहले का है, यानी कि उतने पुराने समय में वर्णन इस जगह का है। तो इस जगह का महत्व आप लोग समझ सकते हैं कि बताओ, जिनका यानी अपने इस जगह का नाम रामायण से पहले काल में हुआ हो, तो इस जगह का महत्व क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, चारों ओर से नदी से घिरा हुआ, और जो भी लोग आते हैं वह एक बार अपना पैर नदी में जो लोग धो के आएंगे उन्हीं का मंदिर में प्रवेश हो पाता है, ऐसा मान्यता है, क्योंकि चारों ओर से मंदिर से घिरा हुआ। देखिए, जो मैं बोल रहा था ना, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती सप्तशती दुर्गा सप्तशती में, यह चीज़ है। लेकिन फिर भी हमारे जो यहाँ के विधायक नेता लोग हैं, उनको चाहिए कि इन कम से कम माता जी का यह मंदिर छोड़ के, ये प्रांगण छोड़ के, कम से कम इसके चारों ओर जो सरकमफ्रेंस है, बाउंड्री है, कम से कम उसका पुनः निर्माण कराना चाहिए। तो जो लोग मेरा वीडियो अगर यह देख रहे हों, अगर मेरी बात उनको अच्छी लगे तो इस पर ज़रूर सोचिएगा आप लोग कि कम से कम यह माता जी का यह स्थान छोड़ के जो चारों ओर का जो है, चारों ओर का जो है वह सभी चीज़, कम से कम उसका हम लोग पुनः निर्माण करा के नवनिर्मित हम लोग करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है और यह हमारे इतिहास का एक धरोहर है। इसको ऐसे रखना सही नहीं होगा। कम से कम सब कोई जाने इसके बारे में। बहुत तो जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है, इसका निर्माण जब होगा, जब भव्य होगा, तो लोग और आएंगे और माता जी का महिमा और जो भी है पूजा अर्चना यहाँ पे लोग का और सही से लोग करेंगे। जय माता दी। भोले बाबा यही चाहते हैं, भोले बाबा भी यही चाहते हैं कि उनका जरा अभिषेक हम लोग किया जाए। तो लोटा नहीं था, मिल गया। ठीक ठाक चलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। माता कुलकुल्ला देवी के स्थान में एक शिव जी का मंदिर जो काफी गर्व है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम